हेलो हेलो एवरीबॉडी, आज बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल चल रहा है। इट इज़ लाइक लेट मी टर्न द कैप। हाँ, तो कंफ्यूजन ये है कि अब गाड़ी के टायर जो हैं पुराने हो गए, 2012 के टायर हैं। मैं सोच रहा था नया टायर डलवा दूँ, फिर मैंने किसी से बात किया, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मंगवा दे। तो अब वही ऑनलाइन साइट के लिए रुका हूँ। तो वो मैंने गाड़ी निकाला तो था कि टायर बदल के आऊँगा, लेकिन वो प्लान चेंज हो गया। तो अब ना मेरे दिमाग में एक चीज़ दौड़ रहा है कि टायर नहीं तो कम से कम ऑटो एक्सेसरी की दुकान में जाके ORVM ले लो। ORVM मतलब स्क्रीन, बिकॉज ये गाड़ी में अपग्रेड तो वही चाहिए और बाकी हिसाब से तो गाड़ी बड़ी तगड़ी है। एक मिनट, ORVM का मतलब बता। देखो यहाँ पे ये वाला म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, इसकी जगह पे सोच रहा हूँ कि स्क्रीन लगवा दूँ। I don't know, जाके पहले भाव पता करता हूँ फिर पता चलेगा। अब पता नहीं ये सही डिसीजन है कि नहीं, बिकॉज ये गाड़ी जो है ये 2012 की है और आइडियली 2027 को इसका क्या बोलते हैं वो रोड वर्दीनेस या जो भी बोलते हैं सर, रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है, फिर बाद में रिन्यूअल। अभी तो फ़िलहाल कंडीशंस के अंदर 5 साल का रिन्यूअल मिलता है पर महाराष्ट्र में, और पता नहीं 2027 में क्या हाल होगा, क्या पॉलिसी चेंजेस होंगे। तो उस हिसाब से वही सोच रहा हूँ, इट्स अ वाइज डिसीजन और नो, लेट्स सी। इसकी ORVM के लिए अच्छी जगह कौन सी होगी वो आइडिया नहीं है मेरे को। मैं ना अपने बचपन में, मेरी पुरानी गाड़ी थी उसकी जो सीट कवर एक्सेसरीज वगैरह जो डलवाए थे, वो जगह को देखने जा रहा हूँ कि वहाँ पे वो दुकानें हैं कि नहीं। अगर वो भी तो उनके पास ही एक बार प्राइस पता करके देखूँगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। आगे से यहाँ से मेरे को राइट मारना है वहाँ पे। तो इतने साल पहले थी वो दुकानें, अब भी होंगे कि नहीं मालूम नहीं। आइडियली तो कार एक्सेसरीज है, वो मार्केट तो कभी बंद नहीं हुआ, तो होनी तो चाहिए। वो एक ज़माने में बहुत पॉपुलर दुकानें थी, तो बहुत कम दुकानें थी और ये वन ऑफ द फ्यू थे। लेट्स सी अभी भी है क्या, है तो देखता हूँ। ऐसे आज एनीवे संक्रांत है, अगर दिख रहा है तो देखो पतंगे उड़ रही है। हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन, कीप फ्लाइंग काइट्स एंड कीप फ्लाइंग हाई इन लाइफ एज वेल। आ गए चामुंडा कार एक्सेसरीज, देखते हैं इनके पास है कि नहीं। हम तो भैया कार एक्सेसरीज का भी पूछ लिया, ORVM का, तो इसका फ्रेम मिलेगा कि नहीं चेक कर रहे हैं, कल तक 11 बजे तक पता चलेगा। और वो ओवरऑल सब फिटिंग विटिंग सब मिला के अराउंड 8,300-8,400 का पड़ेगा। सो लेट्स सी कल क्या होता है। ओके, तो ये जो सामने दिख रहा है ना, एक छोटी सी बिल्डिंग, ये इसको चामुंडा सर्कल बोलते हैं, ये बरसों से यहीं पे है। और ये बिल्डिंग जो है ना, इसमें मम्मी की ऑफिस हुआ करती थी, ये वाइट बिल्डिंग में, ये नया इंडिया का बोरीवली डीओ जो आज भी है वहाँ पे। फर्स्ट बोर्ड दिख रहा है, पता नहीं दिख पाएगा, पर यहाँ पे मेरी मम्मी, मिस यू मम्मी, यहाँ पे जाती थी और हम लोग आते थे ऑफिस में, मैं और मेरा भाई, प्राइमरली मैं आता था मम्मी के ऑफिस में और बहुत तूफान मचाता था, लेकिन मैं वहाँ पर सबका फेवरेट था उस ज़माने में। एंड इवन आम लाइक वो हमारे वहाँ पे किचन होता था, किचन में एक भट्ट जी जो चाय वगैरह बनाते थे, उनका तो मैं बहुत फेवरेट हो गया था। वो मेरे को चाय वाय लेके देते थे, फिर प्लस वो बाहर से बाद में उधर से मम्मी के ऑफिस के स्टाफ वगैरह मेरे लिए डोसा वोसा मंगवाते थे। इट्स टू मच फन यार, बचपन इज अमेजिंग, बचपन होता है। ये सब एरियाज देख रहा हूँ, ये वही पुराने बिल्डिंग, यहाँ पे कुछ, हाँ ये एक रीडेवलप हुआ लग रहा है, बाकी सारे पुराने वही हैं। बट यहाँ पे सिग्नल नहीं हुआ करता था, सिग्नल आ गया, और भैया बहुत छोटा सिग्नल है, बताना पड़ेगा। स्पेलिंग में मिस्टेक लग रहा है ना, रानुलेट है।
Hey guys, good morning. Welcome to the new vlog. Not new vlog. कल का ही vlog continue हो रहा है. आज actually हम कार के स्टीरियो सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं. वो या मतलब स्क्रीन लगवा रहे हैं उस पर. आज कुछ तो बहुत हो गए तुम. तो चलिए चलते देखते. Hope it looks nice and feels nice and works nice. चलिए. वो रही हमारी हैंडसम गाड़ी. आज अपग्रेड होने वाली है. आज के जनरेशन के साथ मैच होने वाली है. कैसा लग रहा है उसको? क्या ही लगेगा? वो लगेगा बंदा पागल हो गया, क्या कर रहा है. तो भाई ये देख लो फॉर वन लास्ट टाइम. इसके बाद नया लगने वाला है यहाँ पे स्क्रीन. चलिए चलते. हाँ तो भाई एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को. पता नहीं एक्साइटमेंट हो रही है. मेरी गाड़ी को अपग्रेड कर रहा हूँ ऐसी फीलिंग आ रही है. हाँ एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अपग्रेड नहीं दे सकता, लेकिन बाकी तो आई फील ये बदली करने से मॉडर्न, आजकल की मॉडर्न गाड़ियों के आसपास आ जाएगा. गाड़ियों क्या होता है, मॉडर्न गाड़ियों के आसपास आ जाएगा यार. ये देखो ना, सही है ना एकदम. वरना क्या होता है, ये पिलर्स अगर खाली छोड़ दिए तो लोग अपना पॉलिटिशियंस अपने पोस्टर लगा देते हैं, या फिर कोई बीन बैग बेचने की पेंटिंग मार देता है. इससे बेटर है कि हर एक पिलर्स को ऐसे ऐसे पेंट किया जाए तो कोई कुछ करेगा भी नहीं और अच्छा ब्यूटीफुल भी लगेगा ना. डजंट लुक नाइस. कमेंट करके बताइए. देखो जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर पोस्टर वोस्टर लग जाती है. देखो यहाँ पे भी पोस्टर लगी है. इधर पेंट वेंट कर देना फिर पोस्टर लगता नहीं है. एंड ये पोस्टर्स लगी है डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे मेट्रो लिखा हुआ है कि पोस्टर नहीं लगाने का. लोग बड़े बेशर्म होते, क्या कर सकते. एनी हो, कोई नहीं, धीरे धीरे सुधरेंगे सब. ट्रैफिक 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 दिन में तो ज़्यादा ट्रैफिक होता ही है. ट्रैफिक नहीं है एक्चुअली, ये सिग्नल है. दिख रहा है क्या? सिग्नल हो गया ग्रीन, लेकिन कुछ हिल नहीं रहा है. ये ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो ऐसे ही होता है. मेरे ख्याल से नेक्स्ट टर्न अपना होगा. कुछ नहीं हिल रहा है. ग्रीन होके हो गए 5-6 सेकेंड एंड नथिंग सीम्स टू बी मूविंग. हाँ अभी हिला अभी हिला. चलो चलते. फिर से रेड हो गया, फिर से रेड हो गया, फिर से रेड हो गया. ये देखो मतलब शुरू होते ख़त्म. अब पता नहीं इस बार भी जाने मिलेगा कि एक और बार रुकना पड़ेगा. ये सिग्नल के डिले इसका कुछ करना पड़ेगा, यानी मेरे को नहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहा था इस बार भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार मिल जाएगा क्योंकि इस बार पहुँच गए हम लोग सिग्नल. मेरे स्कूल की बस. इस स्कूल में जाता था मैं बचपन में, सेंट फ्रांसिस डीएससीसी हाई स्कूल. हाँ जी भाई, पहुंच गए हैं चामुंडा. अब हम बदलेंगे, देख लो एक लास्ट टाइम के लिए. वही सेम कंपनी का. देखो भाई हमारा सिस्टम निकल रहा है, सिस्टम जो 2012 में इस गाड़ी के साथ आया था. देखो भाई चला गया चला गया चला गया. देखो नया स्क्रीन तो फिलहाल लटक रहा है, अटैच होना बाकी है, लेकिन स्क्रीन चालू है. वहाँ तो दिख रहा है.
देख लो मैप्स इंस्टॉलेशन तो अपडेटिंग। हाँ तो भाई देखो लग गया स्क्रीन। हाँ हाँ सिस्टम चेंज। अब जा रहा हूँ घर, जाते जाते स्क्रीन को टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यही फ़ोन का कैमरा ऑन है और यही फ़ोन का ब्लूटूथ है, कैमरा ऑन होने पे गाना बंद हो जाता है। गुड ना, कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं लगेगा। एनीवे गाइस आई एम टू एक्साइटेड एंड हैप्पी टू यूज़ द न्यू सिस्टम। जैसे बच्चे के हाथ में टॉफी दी हो ऐसी फीलिंग आ रही है। बट ओवरऑल अभी और भी चीज़ें बची है इस कार में, लाइक इसका मेजर जो चेंज करना है वो टायर्स बदलने हैं। टायर्स तो ठीक है, चलो अब घर पहुंच के या फिर चलो आगे मिलते हैं, ये सब बातें निकलेंगे। मस्त फीचर है, यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल में मुझे मेरा स्पीड दिख रहा है, मतलब हाँ फिलहाल तो बात करना क्योंकि सामने का हाल कुछ ऐसा है, बट मज़ा आ रहा है कुछ नया दिखा। डिजिटल स्पीडोमीटर सीधा यूनिट के अंदर, मस्त है ना। आई नो बोर कर रहा हूँ, थोड़ा पका रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये डालने से। गाड़ी एकदम एडवांस लगने लगी। हाँ तो भाई जैसे कार का स्क्रीन तो चेंज हो गया बराबर, वो म्यूजिक सिस्टम चेंज होकर नया स्क्रीन लग गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चेंज होनी है, वो है कार के टायर्स, क्योंकि वो टायर्स भी 2012 के हैं, जो पता नहीं यार टायर्स एज ओल्ड एज दैट बिकम डेंजरस। तो अब मैं टायर शॉप्स वगैरह देख रहा था आजू बाजू, बट किसी के रिव्यूज़ ख़राब है, किधर ऑप्शंस नहीं है, ये सब है। तो मुझे अभी एक वेबसाइट मिला है एंड आई एम गोना ऑर्डर टायर्स फ्रॉम देयर। तो ये वेबसाइट पहले देखिए, वेबसाइट है टायर्स एंड मोर करके, इसमें हमने मुंबई कर दिया है और अभी टायर आई नो द टायर साइज, तो उसके बेसिस पर करेंगे हम। रुको इधर कुछ ये रहा 165 रिम इज 14 इंचेस। टायर्स फाइंड करते इसमें, पोलो है, ब्रिजस्टोन है। देखो ये वाला जो है ना, इसके बारे में मैंने रिव्यूज़ अच्छे पढ़े हैं। ये ऑफ कोर्स वेट वेदर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्मूथ राइड, लो नॉइस, एक्सलेंट ब्रेकिंग वगैरह है। सो वील गो फॉर दिस व्यू डिटेल्स। अब इसमें हमको चार टायर्स बदलने हैं, तो क्वांटिटी चार कर लेते हैं। ओके जो भी है ठीक है, अब चलो टायर ऑर्डर करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ऐड कर लिया है, चार टायर्स का कॉस्ट आ रहा है 18,996, साथ में व्हील बैलेंसिंग फ्री दे रहे हैं लोग और डोर स्टेप फिटमेंट, मतलब इनकी ऐसी एक गाड़ी आएगी जो मेरे घर पे आके फिट करेगी, उसका भी चार्ज ज़ीरो है। तो दिस इज द ऑर्डर समनी 18,596 हमारा कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है। हाँ जी तो ये हो गया है हमारा कंफर्म, चार घंटे में उनका कॉल आएगा, उसके लिए रुकता हूँ, देन आई विल अपडेट यू। सो गाइस आ गए हमारे टायर्स, देखो ऐसी गाड़ी जो मैंने कल ऐप में दिखाई थी वैसी गाड़ी ले आए हैं लोग। ये बेसिकली अभी जैक लग रहा है गाड़ी के नीचे, अब लगने दो उसके बाद देखते हैं गाड़ी को कैसे उठाते हैं। अरे वो ढक्कन बंद नहीं करना पड़ेगा तो एक टायर निकल गया, अब पीछे के टायर निकालेंगे, मतलब वो जैक पूरा वन साइड कर देता है कार को ताकि दोनों टायर एक साथ निकाल सके।
ये बेसिकली अभी व्हील बैलेंसिंग कर रहे हैं ताकि ये सब उसी मशीन में हो जाता है और फिर बाद में गाड़ी में टायर को लगा देंगे। चलो गाइस, एक साइड के दो टायर्स हो गए, अब ये दूसरे साइड के लिए हो रहा है। जैक लग रहा है और गाड़ी को अब दूसरे साइड से टिल्ट किया जाएगा और ये साइड के टायर्स निकाले जाएंगे एंड सेम प्रोसेस वापस से दोहराया जाएगा। फाइनली चारों टायर्स नए एंड द कार इज ऑल रेडी टू रॉक द रोड्स। कैसी लगी ये वीडियो में दो दो चेंजेस पुरानी गाड़ी में देखते हुए? इतनी खुशी। एक्चुअली सच में मैं बहुत खुश हो गया हूँ। बहुत टाइम से सोचा था कि टायर्स चेंज करने। आई थैंक द यूनिवर्स कि आज 2024 की शुरुआत में ये टायर वाला अपग्रेड हो गया उस गाड़ी में। स्क्रीन तो खैर वो तो शौक के लिए लगाया है, पर टायर तो मैंडेट था। तो रियली हैप्पी कि ये दोनों अपग्रेड्स हो गए एनी वे, एंड आई थैंक एवरीबडी इन माय लाइफ गेव मी द मनी एंड रिसोर्सेस टू मेक इट पॉसिबल। एंड ये कार से बड़ा प्यार है मुझे, बिकॉज ये मैंने पहला गाड़ी था जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था। एंड इट्स अ फोर्ड, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है। मेटल से लेके प्लास्टिक से लेके राइड क्वालिटी से लेके कहीं पे भी खटर रैटल वैटल कुछ नहीं है। बस हाँ, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है जिसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, वो मैन्युअली रहेगा। बट ऑल इन ऑल अभी जो दो चीज़ें की उससे तो मुझे बहुत 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 खुशी मिली सच में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कुछ सवाल है अगर इस पर्टिकुलर कार के बारे में या ये अपग्रेड जो मैंने किए उसके बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ लो, जितना हो सके मेरे से मैं जवाब दे दूँगा। एंड होपफुली फ्यूचर में और बेटर कंटेंट बनाऊँगा मैं और मेरी फीगो और भी दोस्त मिलके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ सजेशन हो तो दे दो प्लीज़। बाय बाय।